स्कूल बैग रेडी, टिफिन बैग रेडी। आज आसमान में पूरा ऑरेंज ऑरेंज जैसा लग रहा है वेव से। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day. अनन्या रेडी होते हुए इन न्यू यूनिफॉर्म, जो इन्हें को बिल्कुल नहीं पसंद है। पूरे स्कूल का यूनिफॉर्म इस साल चेंज हो गया है। And the summer sun is out. So, जिम से आके नाश्ता। और अनन्या का आज फर्स्ट डे स्कूल था, सो यूनिफॉर्म कम्प्लीटली ना पूरे स्कूल का चेंज हो गया है। और यूनिफॉर्म किसी बच्चे को नहीं पसंद। सो अनन्या के सिक्स स्टैंडर्ड में अनन्या के सिक्स स्टैंडर्ड में मेरा काम बढ़ गया है। रीजन बींग, पहले अनन्या के ना फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो ड्यूरेशन था स्कूल का थोड़ा कम था, सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वो बढ़ा दिया है। तो अभी दो दो ब्रेक है लंच ब्रेक। तो सिंस इट वॉज फर्स्ट डे तो कुछ फिगर आउट ही नहीं होता है बच्चे जनरली क्या लेके आते होंगे। तो पैनकेक आपने देखा वो खा के गई है और एक लेके गई है, और साथ में कल आपके थोड़ी सब्जी बची हुई थी उसके साथ मैंने एक पराठा बना के दिया है। मैंने कहा तू ना थोड़ा नजर रखना कौन बच्चे क्या क्या लेके आते हैं, दो ब्रेक में तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का और कि जो भूख कितनी लगती है कब, उस हिसाब से मुझे बताना। सो उस हिसाब से मैं देखो टिफिन दूंगी। तो ये एक काम मेरा बड़ा है, दो दो टिफिन करना पड़ेगा। और वो भी मैंने उसको बोला तो ये काम कर, एक ही टिफिन में मैं ज्यादा खाना दे दूंगी, थोड़ा इसमें खा लेना थोड़ा उसमें खा लेना। तो अभी उसमें भी हमारी बात चल रही है। सो लेट्स सी, आइडियाज दो यार आप लोग, मतलब अगर आपके स्कूल में बच्चों का ऐसा है दो दो लंच ब्रेक तो आप क्या क्या देते हो, मतलब दोनों के हिसाब से ना क्या टिफिन ऐसा देते हो। सो आई नीड आइडियाज बिकॉज इट इज माई फर्स्ट टाइम। सो इसमें होम डेकोर की एक ऐसी चीज है जो मैं दो तीन साल से सोच रही थी लूंगी, और मैं इतना इसमें सर्च किया ना कि कुछ डिफरेंट डिजाइन में मिले, मैं ना कुछ डिफरेंट पैटर्न में मिले, बट ले देख के यही पसंद आ रहा था। लास्ट फ्लैट में हमारे पास जगह नहीं थी उतना रखने का, मतलब रख सकते थे लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता। दिस वॉज अ परफेक्ट प्लेस यहाँ पे इस फ्लैट में रखने के लिए। सो फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया, और वही ऑर्डर किया जो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके घर में होगा, बट मुझे कुछ और डिजाइन पसंद नहीं आया। कुछ गेस करो क्या है ये, आपको लग कर ये होगा, ये देख के कर लोगे, मैं बताऊं आपको क्या देख के कर लोगे, क्योंकि ये इतना कॉमन है ना। सी दिस, हो गया ना गेस, आई एम श्योर काफी लोगों ने कर लिया होगा, आप में से काफी फ्रेंड्स के घर में होगा भी। सो लेट्स सी, तो फाइनली सेट करने के बाद अब ये सीधा लग रहा है। सो इसका दो लोकेशन हमने चूज किया है, या तो एक यहाँ पे, अभी टीवी यूनिट वगैरह आएगा ना तो तब समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरे को प्लांट रखना है कि टीवी यूनिट के साइड में ये रखना है, ये देखना पड़ेगा। लाइट वगैरह हमने अभी जलाई हुई, आपको दिख नहीं रहा है, सो फार अभी सब वर्क कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। या फिर हमारा जो वो कॉर्नर है ना उसके पीछे वहाँ पे, सो अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे ये अच्छा लगता है। दूसरा उसमें डार्क कलर का वुड का फोटो था, उन्होंने कुछ तो ऑरेंज में भिजवाया है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। अनन्या के ब्लैक लेगिंग्स, एक दो तीन, एक बाहर सूख रहा है चार, और ये ब्लैक कार्गो पैंट। मतलब आजकल आप जब भी देखोगे अनन्या को हर चीज में, ना जीन्स ना शॉर्ट्स ना कुछ, बड़ी मुश्किल से पुश करके पहनाना पड़ता है, अदरवाइज हर चीज में ब्लैक लेगिंग्स। तो मैंने कहा ये ले तू चार पांच ब्लैक लेगिंग्स ले, यही पहन यही धो और यही वापस सूखा और वापस पहन। हल्की सी वार्म लाइट में स्किन कितनी फ्रेश लगती है ना। सो जस्ट मैंने वो लैंप का लाइट जलाया हुआ है, अभी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेट कर दिया। मैंने इस साइड रखा है फिलहाल प्रॉपर, एक दो जगह मैंने ना वो गलत फिटिंग लगाई थी तो अब सेट किया है तो अच्छा लग रहा है। सो मैंने आई स्कूल से, और जैसा होता है ना मुझे पता था फर्स्ट डे तो कंप्लेन रहेगा ही उसका, तो स्कूल क्लास टीचर अगेन उसकी क्लास टीचर, लास्ट ईयर भी उसकी क्लास टीचर जो थी ना, जो मैथ्स की टीचर थी वो उसकी क्लास टीचर, तो इस बार भी वैसा ही है। जो मैथ्स टीचर है, मतलब सम डिफरेंट टीचर बट शी इज़ ऑल्सो मैथ्स टीचर, सो मैथ्स टीचर इज़ हर क्लास टीचर। सो इन सबको लेके
थोड़ा सा वो, मैंने कहा तो क्या हुआ, वो भी तो तुमको इतनी बाय द टाइम आप निकले क्लास से आपको इतनी फेवरेट बन गई वो आपकी मैथ्स टीचर, तो ये भी बन जाएंगे। तो बच्चों के ना चेंज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या क्या, बस एक दिन की बात है, दो दिन में देखना बाकी सबकी तारीफ करेगी कि मम्मा ये मैम तो बहुत अच्छी, वो मैम तो बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी, सो फार आज के दिन के लिए तो उसको ज्योग्राफी की टीचर बहुत अच्छी लगी है। सो ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री, ये SSC वाला नया सब्जेक्ट उनका इस साल से स्टार्ट हुआ 6th ऑनवर्ड्स। सो लेट्स सी। सो अनन्या के लिए ये नया स्कूल बैग मंगाया था जो अनन्या को बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ अब उसको पसंद नहीं आ रहा। तो अच्छा मैंने टैग वैग कुछ निकाला नहीं था तो उसको अब ये कलर पसंद नहीं आ रहा है ना। और ये ऐसा है काफ़ी प्यारा सा, बच्चे छोटे हैं ना आपके, ऐसे पिंकी पिंकी और ऐसा पर्पल पर्पल कलर पसंद है तो दे सकते हो। सो ये बेसिकली नॉर्मल बैग है, पकड़ना ना मैं दिखाती हूँ जरा, ऐसे पकड़ो कैमरे को, पकड़ो कैमरे को, पकड़ो तो ये खड़ा नहीं खड़ा होता है, आपने इसमें बुक्स ही रखे ना, तो इसमें अगर आप ऐसे बुक्स रखोगे ये ऐसे खड़ा होता है। अच्छा, तो ये इतना और ये इतना ऐसा हो जाता है, ऐसा अपना आप उसको इसके अंदर से निकाल भी सकते हो। आपको ये नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से इसको निकाल दो ऐसा और ऐसा, तो आप उसको जस्ट एज अ स्कूल बैग, नॉर्मल स्कूल बैग भी कैरी कर सकते हो। सोच लो रखना है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। अवाडा के डाबला बाद का टाइम हो रहा है जो मेरा सोने का टाइम है, बट हम जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं बताओ? पिज्जा। क्या पिज्जा बनाने जा रहे हैं? पिज्जा बनाने जा रहे हैं, जॉब मिली है पिज्जा मेकर। सो बेसिकली ये फिनिक्स मॉल जो यहाँ का है, क्या बोलते हैं इसको, पाकर मॉल ऑफ मिलेनियम जो है, यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें मैंने अपने आप को ऐड करवाया था बहुत पहले। सो वहाँ पे अपडेट्स आते रहते, जब भी कुछ होता है मॉल में, कुछ भी इवेंट्स वगैरह आते हैं। तो पिज्जा मेकिंग वर्कशॉप था बच्चों के लिए, सो उसी के लिए मैंने अनन्या को पूछा तुझे करना है, तो उसने शी वाज ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड, पिज्जा बेक करो और वो पिज्जा खाने को भी मिलेगा। सो मुझे था कि थोड़ा वर्कशॉप वगैरह से क्या होता है ना, थोड़ा आइडिया लगता है कैसे क्या वर्क करता है, पिज्जा खाते हैं बनता कैसे, घर पे बनाया है बट वहां पे मतलब किसी स्टोर पे कैसे सब कुछ प्रोक्योर होता है, कैसे बनता है, कस्टमाइज होता है। सो सुभाष क्या शूमाकर बन गया वो क्या बनाए? अच्छा, ये स्पीड ब्रेकर्स नए बनाए यहाँ पे, अच्छा है ना, यहाँ पे बहुत गाड़ियां फास्ट चलती तुम जैसे लोगों की। सो वो है उसका वर्कशॉप था 4:30 से 5:30 था कि पता नहीं, हम शायद लेट, आई डोंट नो। सो 4 से कि 4:30 से है। सो वहीं के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं अनन्या कैसा पिज्जा बनाती, क्या करती है अनन्या, क्या लगता है अनन्या कैसा पिज्जा बनाओगे तुम? अच्छा। सो आई डोंट नो, पहली बार अनन्या को किसी ऐसा मतलब सोसाइटीज के वर्कशॉप में डाला है पहले भी, बट मतलब ऐसा किसी मॉल में उसके प्रॉपर जो स्टोर है वहां पे ऐसे कभी किसी वर्कशॉप में डाला नहीं है। सो लेट्स सी अनन्या का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, अच्छा रहेगा तो और डालेंगे उसको। ठीक से बहनो आपका कैब, ठीक से बहनो आप ठीक कर लो उसको, या फाइन बेटर। सो बेसिकली 399 का कुछ रजिस्ट्रेशन इनका फीस था, तो वो पहले से फॉर्म भरना था, तो वो मैंने जैसे बताया आपको भर दिया था हमने। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और कुछ होगा, ना बच्चों को डो बनाना सिखाएंगे, प्रोसीजर सिखाएंगे, अवन के पास लेके जाएंगे कैसे बेक होता है वो प्रोसेस, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे रेडीमेड ही इनका पूरा डो था, तो बस उसको कैसे घुमाना है वो बताया, सॉसेज रेडी थे, सब्जियाँ सब रेडी थी, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा फन था, ठीक है खुद बनाया खुद खाया, लेकिन मुझे जिस इंटेंशन से मैंने रजिस्टर करवाया था अनन्या को, उसका मुझे ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा, बट ठीक है शी एन्जॉयड। तो ऐसा कुछ और वर्कशॉप होगा तो मे बी आई विल एनरोल अगेन, बट फॉर विद दिस वर्कशॉप इट वॉज लाइक 400 का पिज्ज़ा खाया, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ उसने सीखा नहीं यहाँ से। इतनी सारी सब्जियाँ ऑलिव सब छोड़ के आने ने सिर्फ चीज़ और चिकन डाला है बस, यहाँ का पिज्ज़ा भी गया है बेक होने के लिए। यहाँ पे ना एक इशारा करके रेस्टोरेंट खुला है, इसके बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं, मैं उसके बाद यही चेक करती कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, दिस इज रियल, बाकी सब फेक है। यहाँ पे बस एक एक था जो रियल था ना, एक या दो, बाकी सब फेक, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट इतना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल अर्दी जो लुक होता है ना, अर्दन पॉट्स है यहाँ पे एंड दिस ग्रीन प्लांट, मस्त लग रहा है। पिज्जा खाना पे नहीं आता लड़की को। सो अनन्या का पिज्ज़ा वर्कशॉप के बाद हम जरा आए हैं अपना
होम का ना वो कर्टन्स वगैरह हमको चेंज करना है, तो इसके बारे में सुना है हमने यहाँ पे डलान डेकोर करके, क्या बोल रहे हो, पेपर फ्राई, हाँ सामने पेपर फ्राई भी है, तो शो एक टीवी यूनिट और एक कर्टन्स उसके लिए देखना है, सो होपफुली कुछ पसंद आए यहाँ पे। तो एंटर होके हमने पहले कर्टन वाला सेक्शन देखा जो रेडीमेड था, हमको वहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आया। देन साइड में ना ये इनका कारपेट वाला सेक्शन था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कारपेट्स थे, एंड ये जो कलर्स है ना, दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर, ऐसा ही सिमिलर, ताकि थोड़े से कलर्स, बिकॉज माई प्रेजेंट कारपेट एवरीथिंग इज इन ग्रे एंड बेज, तो मुझे हल्के से बट इन अ सटल वे कलर्स ऐड करने थे। थोड़ा कारपेट भी हम चेक कर रहे थे, नहीं, ये नहीं। तो थोड़े महंगे हैं ये वाले कारपेट, बट आई थिंक दे आर वर्थ इट, बिकॉज मैंने ऑनलाइन और इधर उधर और भी जगह थोड़े चेक किए थे। कारपेट डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल, की मटेरियल कैसा होता है, मुझे इनके मटेरियल बहुत अच्छे आए, अच्छे लगे, सो लेट्स सी आगे। बाकी यहाँ पे फिर देन वी केम टू दी कर्टन, जहाँ पे कस्टमाइज आप कर्टन कर सकते हो अपने हिसाब से। सो यहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग पैटर्न में प्रिंट्स थे, दीज वर द शीयर जो साइड में आप देख रहे हो, ये पूरा शीयर कर्टन वाला साइड था, और यहाँ पे थे आपके कॉटन प्लस थोड़ा सा मिक्स था, बिकॉज कॉटन होता है तो क्या होता है ना, धुलते हुए वो थोड़ा वो आपका श्रिंक हो जाता है, तो उसके साथ प्लस थोड़ा सा कॉटन के साथ थोड़ा सा मिक्स वाला जो था वो थे, और ऐसे आपके जो ऊपर ये वर्क होता है ना, ये थ्रेड वर्क ये वाले थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट सम हाउ ना मैं ट्राई कर रही थी जो बेज ग्रे इस तरह के जो कलर्स हैं ना जो ऑलरेडी मेरे पास है उनसे वो ना लूँ, बिकॉज वो मेरे फेवरेट्स हैं, और जब भी आप मैं जाती हूँ ऐसे सेक्शन में मुझे वो ही पसंद आते हैं, जो सारे बेसिक जो कलर्स होते हैं ना बेज और वाइट के शेड्स में, और ये आपका जो घिया कलर काइंड ऑफ बोलते हैं वैसा, बट आई रियली डिड नॉट वॉन्टेड टू गो फॉर दैट, तो मैं उनको बोल रही थी आप मुझे ना फ्लोरल्स में कलर्स में दिखाओ, बट कलर भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा चटक कलर ना हो जो अच्छा लगे, सो वही वो सब पैटर्न्स निकाल रहे थे, तो हमको यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया चूज़ करते हुए, बिकॉज इतने सारे जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, फिर ये वो शेयर वाले हैं, तो ये थोड़े महंगे के उसमें आते हैं, बट मुझे इस टाइप के नहीं चाहिए थे, बिकॉज इसके लिए यू नीड प्रॉपर आपका खुद का घर हो, इंटीरियर्स उस हिसाब से होना, देन यू कैन स्पेंड और उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, बट मैं जस्ट डिज़ाइंस देख रही थी, पैटर्न्स देख रही थी, जस्ट टू हैव अ लुक। मैं से बेज ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गो फॉर समथिंग विच इज़ यू नो थोड़ा वाइब्रेंट ब्राइट कलर, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब दूर से इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी मटीरियल, अगर पास से मटीरियल दिखाऊँ ना, दिस इज़ दैट कॉटन मटीरियल, तो ये बहुत अच्छा लगता मे बी नेक्स्ट टाइम, बट अभी हमने जो पसंद किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सो धीरे धीरे करके एड ऑन करेंगे समवॉट लाइक दिस। इस तरह के पैटर्न्स भी मुझे आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, ये तो बहुत ब्राइट हो गया, समथिंग लाइक दिस, सो मे बी नेक्स्ट टाइम, मतलब कलर्स ऐसे हैं कि थोड़े से कलर्स हैं, हाँ लेकिन ऐसा एकदम कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए अपन को, देख ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाले डिजाइन, ये वाला मटेरियल भी कुछ कुछ काइंड ऑफ कॉटन में, कॉटन ही है, ये पॉलिएस्टर है, ये पॉलिएस्टर ही है, बहुत गुस्सा है उसको, उसको ना प्लास्टिक कलर का एक जार किया था जिसमें सिपर था, और प्लास्टिक हम उसको दे नहीं रहे, बिल्कुल अवॉइड कर दिया हमने, इसलिए गुस्से में जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी, इतने दिनों से कर्टन्स बिल्कुल पसंद आए, बिल्कुल जैसे जैसे मुझे चाहिए था ना उस हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। एक हमने अभी चूज़ किया है जो हमने ऑर्डर दे दिया है, और मे बी नेक्स्ट टाइम कभी और चेंज करना होगा कर्टन्स, वी कैन गो फॉर अदर ऑल्सो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। सो डलान डेकोर करके वाकड़ में है, सो इन केस यू आर इन दिस साइड ऑफ पुणे, तो ऊपर उनका सारा कर्टन्स का कस्टमाइज है, नीचे थोड़े से कर्टन्स हैं जो रेडीमेड हैं, सो हमने कस्टमाइज ही करवाया। हेलो फ्रेंड्स, फिर हम रेडी होके चल दिए, आज हमारा प्रोग्राम है लंच करने जाने का, यहाँ पे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये ना हाईवे पे साइड में संदीप क्या संदीप रेस्टोरेंट करके खुला है, वहाँ का नॉनवेज सुना है कि बहुत अच्छा है, काफी फ्रेंड्स ने तारीफ करी है, तो हम वही खाने जा रहे हैं, बट वी आर वेरी लेट, हम 3 बजे जा रहे हैं लंच करने के लिए, सो आई हैव नो आइडिया कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो लेट्स सी, मिला तो सही है, वरना देखते हैं फिर फिनिक्स मॉल वगैरह जाएंगे, बिकॉज होम सेंटर में आपको याद हमने कर्टन्स वापस किए थे, उसका हमको जो क्रेडिट नोट मिला था वो एक्सपायर होने वाला है, सो एक दो चीज़ें हमको लेनी है जैसे ग्लासेस वगैरह कांच के उस टाइप के, सो सोच रहे हैं कि उसको यूज़ कर लें,
प्लस टीवी यूनिट का आज हम सोच रहे हैं फाइनल करें, तो एक दो जगह है जहाँ पे हमको जाना है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है आज। हाँ धन्य गिरा देंगे पापा, बैठ जा। ये स्पीड ब्रेकर सुभाष, तीन बार तुमने स्पीड ब्रेकर पे मारा, कल भी आपने देखा था ना, बोला ये नया बना है, रात को हम गए थे तब भी सुभाष ने यहाँ पे किया वापस से। याद पड़ेगी दे अभी आईना छोड़ के चली जाती है, समझ में आपको क्यों बोलती पीछे बैठो, सीट बेल्ट लगाओ पीछे बैठो। चलो आज यही वाला टॉप पहना जो मैंने आपको दिखाया था अपने हॉल में, बहुत प्रेटी टॉप है। और मेरा हॉल वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक करना, कुछ कुर्तियां और बहुत अच्छे अच्छे समर वेयर मैंने शेयर किए हैं एंड दिस टॉप, आई जस्ट लव दिस। ये है संदीप फैमिली रेस्टोरेंट, लेट्स सी खाना मिलता है क्या, मिलता है तो कैसा। हमको लगा हम लेट हो गए, हमको खाना नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देखो 3:15 का वेटिंग चल रहा है, हमको वेट करना पड़ेगा। बाहर का सेटअप इतना बड़ा रखा है उन्होंने, वेटिंग इतना रहता है कि देखो बाहर ही इतने सारे चेयर्स लगा के रखे हैं। हाँ देखा है मेरे ऊपर, मैं कह रही हूँ इतनी वेटिंग है कि बाहर ही इतने चेयर्स लगा रखे हैं उन्होंने कि लोग यहाँ पे वेट करें। चलो देखे जरा एम्बियंस कैसा है। सीट कहाँ है कौन बताएगा हमको। सो वी ऑर्डर्ड गार्लिक नान, यहाँ का कुछ तो काला मसाला इज फेमस, तो चिकन काला मसाला और वहाँ पे है मटन काला मसाला। एंड एज यूजुअल अनन्या या तो पास्ता या तो नूडल्स, चिकन हक्का नूडल्स। आए होम सेंटर में, सो वी आर लुकिंग फॉर सिंपल कौन सा एक सफेद के साथ 399 का। वैसे ये भी चला अच्छा लगा ना, अलग सा डिजाइन मैं पूछ लें। चाय का कप वो तो अच्छे लग रहे हैं, ये डायनासोर कप ये वही मटेरियल जो हमने वापस किया ना एक। सुभाष को ये वाला कप पसंद आया, सुभाष के दस में क्यों कॉफ़ी लिखा है, मैं चाय नहीं पी सकता क्या, अगर तू चाय पी लोगों को लगेगा तू कॉफ़ी पी रहा है, बेवकूफ़ बनाएंगे हम लोगों को। क्या डिसाइड किया फिर तुमने, दिखाओ टी दिखाओ, नहीं क्या दिखा रहे होनिया। फाइनली मुझे जैसे कप चाहिए थे वैसे मिल गए, सो मुझे ना थोड़ा प्लेन वाइट में विद गोल्डन ऐसा चाहिए था, और इसमें थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस इसमें पैटर्न दिख रहे हो आप, इसमें प्लेन में भी था तो ये दो लिए। ये मुझे एक पसंद आया था, सुभाष को इससे थोड़ा छोटा चाहिए था, बट वो पूरा सेट था ना टी और कप और सॉसर का, सो ये दो लिए। चीयर्स। और ये एक लिया मैंने अपने लिए जो सुभाष को पसंद नहीं था बट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये एक लिया है टी फॉर एवरीडे स्मार्ट लिविंग ब्यूटिफुल होम। सो अभी मैं चाय चढ़ाई आके सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई, अब इनको वॉश करूंगी और चाय पियेंगे। और किचन के मेरे जो कपड़े हैं ना वो खराब हो गए थे, किचन क्लॉथ जो होते हैं, सो वो एक सेट ये लेके आई हूँ मैं। सो फ्रेंड्स नए नए कप से चीयर्स है आप सबको, इसमें सुभाष ले रहे हैं और ये मेरा कप से चाय का टेस्ट ही ऐसा बदल जाता है। आई थिंक काफी लोग आप में से इससे कनेक्ट करोगे, मतलब कप में भी वो बात होती है जो चाय में बात होती है। सो चलो एनी वेज लेट मी जस्ट एन्जॉय दिस टी बिकॉज बहुत थकान हो रही है हल्का का, मेरे को यहाँ पे सर भी दुख रहा है। सो फ्रेंड्स बिफोर आई एंड दिस वीडियो, सुभाष अगर बाल ठीक कर ले, लाइव में बड़ी तारीफ हुई थी सुभाष के बालों की, सुभाष के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिम से आके थोड़े से वैसे वैसे हो गए, ऐसे मशरूम बन गए हैं, मशरूम बन गए हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बेसिकली जो मेरा लाइव सेशन था उसमें हमने काफी अच्छे और काफी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, आपके ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आंसर किए थे, कुछ क्वेश्चंस आपने पहले भेजे थे और कुछ क्वेश्चंस वर टेकन ऑन लाइव। सो इनकेस लाइव आपने नहीं देखा है ना वो वाला वीडियो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। प्लस मैंने उसमें सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड चीजें बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि कुछ बुक्स मैंने अनन्या को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो मैं वो शेयर करूंगी, तो नॉट एग्जैक्टली उससे रिलेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन फॉर बॉयज और गर्ल्स, ये टाइम आई थिंक नाउ द मेंस्ट्रुअल एज जो है ना गर्ल्स का, द प्यूबर्टी एज जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों का ही आई थिंक काफी अर्ली हो गया है कंपेयर टू आर टाइम्स,
सो वेन टू इंट्रोड्यूस सच बुक्स, वेन टू टॉक टॉक, तो देखो आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट वेन टू इंट्रोड्यूस दिस बुक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इज वेन यू सी सर्टन डेवलपमेंट्स इन योर चाइल्ड, ओके, प्यूबर्टी से रिलेटेड, प्लस अनन्या हैज स्टार्टेड टेलिंग मी कि उसके क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स, किसी को पीरियड्स वगैरह आ गए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ये बुक उसको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था. सो आई एम शेयरिंग दिस टूडे विथ यू. सेम कंपनी का देयर इज वन बुक फॉर बॉयज टू. सो अमेजिंग बुक, वेरी साइंटिफिकली, वेरी कंफर्टेबली सारी चीज इसमें बताई हुई है. काफी आप में से फ्रेंड्स इस बुक को जानते भी होंगे. दिस इज मेंस्ट्रुपीडिया. सो ये बुक अनन्या को इंट्रोड्यूस करे हुए मुझे काफी टाइम हो गया है, बट आई थॉट कि यू नो मे बी आप में से किसी का क्वेश्चन आएगा या फिर जब मुझे लगेगा देन मे बी आई विल शेयर. सो बहुत अच्छे से इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बॉयज से रिलेटेड भी है, प्यूबर्टी से रिलेटेड, और भी मतलब छोटे बच्चों के एज के हिसाब से, यू नो, टॉकिंग अबाउट देयर प्राइवेट पार्ट्स, टॉकिंग अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट प्राइवेट पार्ट्स, यू नो, किड्स में, स्मॉलर किड्स, यू नो, मे बी 3-4 ईयर्स के, तो वो बुक्स भी अवेलेबल है. तो उनके भी लिंक्स मैं दे दूंगी अगर मुझे मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो एवरीथिंग इन दिस, ये जो कंपनी है ना, ये जो ब्रांड है, आई डोंट नो व्हाट ब्रांड इट इज, व्हाट हु इज द राइटर, हाँ इसका राइटर मैं लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लेना. सो टॉपिक वाइज दे हैव वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, व्हाई, हाउ, व्हाट टू डू, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो बच्चों को अच्छे से समझ में आए. सो इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, मे बी यू कैन इंट्रोड्यूस दिस बुक एंड सिट टुगेदर एंड रीड. सो दिस इज द बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अ वेरी नाइस बुक, आई रियली लव इट, एंड मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी यू नो रिकमेंड किया है, कुछ ने ऑलरेडी खरीद भी लिए थे. सो दिस इज दैट बुक, ओके. सो और कुछ बुक हो इससे रिलेटेड तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, मे बी आई विल यू नो गो अहेड विद दोज ऑल्सो, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी सेंसिटिव टाइम, वेरी क्रूशियल टाइम कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिले. हमको लगता है कि बच्चों को यू नो मे बी यू नो दे डोंट नो थिंग्स, बट यू नो गिवन द काइंड ऑफ एक्सपोजर द किड्स हैव राइट नाउ, बी इट सोशल मीडिया, बी इट एनीथिंग, किड्स नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट डू दे नो द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग, वो बहुत जरूरी है. इसलिए इट इज गुड टू यू नो टॉक अबाउट इट, उनको इन्फॉर्मेशन खुद से दो, सो दैट यू नो दे हैव द प्रॉपर राइट नॉलेज अबाउट इट. सो येस, दिस वॉज इट. तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.